वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 ए पी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के फाइन आर्ट्स के एक पेंटिंग हल्दी ग्राइंडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी जो फाइन आर्ट्स की वीडियोस हैं उन सभी का लिंक हमारे चैनल पे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी के सारी वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से किसी भी वीडियो का लिंक वहाँ से ओपन कर सकते हो। तो आप वहाँ से कोई भी वीडियो वो लिंक्स यूज़ करके ओपन कर सकते हो। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पेंटिंग हल्दी ग्राइंडर्स। द टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग इज हल्दी ग्राइंडर्स, आर्टिस्ट इज अमृता शेरगिल, टाइम इज 1940 AD, साइज 76.5 सेंटीमीटर बाई 102 सेंटीमीटर, मीडियम ऑयल ऑन कैनवस, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। द सब्जेक्ट मैटर और थीम ऑफ दिस पेंटिंग, द होल पिक्चर रिप्रेजेंट्स एन एक्चुअल सेटिंग ऑफ अ विलेज फॉक्सहोल्ड, द वुमेन आर सिटिंग एंड ग्राइंडिंग हल्दी इन आर ट्रेडिशनल वे। तो जैसे पहले हल्दी ग्राइंड करते थे घर पे, वही सीन इस पेंटिंग में दिखाया गया है। एक विलेज हाउसहोल्ड का सीन है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, पेंटिंग में देख रहे हो, एक विलेज हाउसहोल्ड का सीन दिखाया गया है जहाँ पे कुछ विमेन हल्दी ग्राइंड कर रही हैं। डिस्क्रिप्शन, अमृता शेरगिल हैड ग्रेट एम्पथी एंड फैसिनेशन फॉर रूरल पुअर एंड ऑथेंटिक इंडिया। शी कैरिड विद इन हर अ डीप सेंस ऑफ मेलनकोली दैट फाउंड एक्सप्रेशन इन द सीरियस फेसेस एंड स्टिल पोजेज ऑफ हर सब्जेक्ट्स। तो उसने अपने जो स्टिल पोजेज हैं और सीरियस फेसेस जो उसने बनाए हैं, पेंट किए हैं अपनी पेंटिंग्स में, अपनी वर्किंग्स में, तो उनमें सैडनेस, डीप सेंस ऑफ सैडनेस उनमें दिखाई गई है। दिस पेंटिंग इज अ वेरी ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ अ डोमेस्टिक इंडियन हाउसहोल्ड। इट शोज विमेन डूइंग अ वेरी रूटीन जॉब ऑफ ग्राइंडिंग टर्मेरिक, अ कॉमन स्पाइस यूज्ड इन एवरी इंडियन क्विजाइन। Here we see the view through two tree trunks that frame the main figure to bring them into focus. तो दो ट्री ट्रंक दिखाए गए हैं, उनके बीच में से ये सीन पीछे, उनके दो ट्री ट्रंक्स के पीछे दिखाया गया है, वो हल्दी ग्राइंडर वाला सीन है जो। The two women sitting sideways in profile are grinding on a stone grinder that is operated manually in a traditional style. तो यहाँ पे टू वुमेन है जो वहाँ पे बैठी हैं, उसके साइड पे जहाँ पे ग्राइंडर उन्होंने रखा हुआ है, ग्राइंड कर रही हैं जहाँ पे, तो दोनों साइड टू वुमेन वहाँ पे बैठी हुई दिखाई गई हैं उसके साइड पे। Their heads are covered and faces are dark with no emphasis on facial features. हेड्स है जो उनके कवर किए हुए हैं और फेस डार्क दिखाए गए हैं और कोई भी फेशियल फीचर्स नहीं दिखाए गए। देयर इज अ यंग गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू देम विद टर्मरिक सीड्स हेल्पिंग देम आउट, और साथ में एक गर्ल बैठी हुई है साइड पे और वो टर्मरिक सीड्स हैं जो उस में डाल रही है ग्राइंडिंग करने के लिए। One more head is visible at the far end of the composition, which is again veiled and obscure, unclear. एक और head इसमें पिक्चर में, पेंटिंग में दिखाई दे रहा है जो कि फिर veiled है, वो उसके भी identification जो नहीं दिखाई गई। These are women who have surrendered to their fate and are comfortable as they are. तो ये वो women दिखाई गई हैं इसमें जो अपनी फेट से, किस्मत से खुश हैं
अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक चुकी हैं और जो एंड आर कंफर्टेबल एज दे आर, और जैसे भी हैं वो कंफर्टेबल फील कर रही हैं। इवन द स्मॉल गर्ल इज हैप्पी डूइंग वुमेन व्हाट वुमेन अराउंड हर डू विदाउट एनी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर फ्यूचर। और जो स्मॉल गर्ल है वो भी हैप्पी है उसमें जो काम वो कर रही है वहाँ पे बैठी हुई, और कोई भी एक्सपेक्टेशंस उसमें नहीं है फ्यूचर में, कोई डिफरेंट एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही वो। द फीमेल फॉर्म्स आर सिंप्लीफाइड एंड एब्स्ट्रैक्ट इन अ वेरी मॉडर्न स्टाइल एंड दैट शी ब्रॉट विद हरसेल्फ थ्रू फॉरेन अपब्रिंगिंग एंड ट्रेनिंग। द ट्रीज especially the details of leaves carry the influence of Rajput and Pahadi miniature paintings that she encountered after coming to India. Hence, this painting is an extraordinary mix of East and West. तो ये राजपूत और पहाड़ी miniature paintings की इसमें effect है जो साफ देखा जा सकता है, और साथ में ये East and West का extraordinary mixing है इस painting में। इस पेंटिंग को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिक्सिंग कहा जा सकता है ईस्ट और वेस्ट का। हर कलर्स आर फ्लैट एंड अर्थी विद इंटेंस रेड्स ऑकर्स ब्राउन्स एंड येलोज एंड ग्रीन्स एंड हर फिगर्स एक्सप्रेस्ड अ न्यू विजुअल रियलिटी। It also reveals the artist's sense of scientific perspective and balance of composition. तो इसमें जो जो कलर्स दिखाए गए हैं ये सारे कलर्स यूज हुए हैं, सारे कलर्स दिखाए गए हैं ये, और विजुअल रियलिटी को शो की गई फिगर्स हैं जो बनाई गई हैं। तो ये थी इस पेंटिंग हल्दी ग्राइंडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी पेंटिंग्स, फाइन आर्ट्स के और टॉपिक्स लेके आएंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। और अगर आपको बाकी वीडियोस के लिंक चाहिए तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप और कोई वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे के सारे हमारे चैनल की वीडियोस के लिंक्स अवेलेबल होते हैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।